जल्द ही वो घड़ी आएगी जब पंजाब और इसके आसपास के राज्यों में पानी की कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान जा रहा पंजाब की नदियों का पानी उसको रोकने की भी व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान को पानी के लिए तरसना होगा और पंजाब और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में जल संकट का काफी हद तक निवारण हो जाएगा। ये संभव होगा करीब 41 साल पहले देखे गए शाहपुर कंडी परियोजना के सपने के साकार होने से। इसका कार्य कई बाधाओं और व्यवधान के बाद तेज गति से चल रहा है। इसके बाद रावी नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा और उसकी हेकड़ी भी निकलेगी। ये परियोजना पंजाब और जम्मू कश्मीर की बिजली की कमी को भी पूरा करेगी। पठानकोट जिले के शाहपुर कंडी क्षेत्र में बैराज निर्माण तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लॉकडाउन में काम बंद हो गया था और 30 अप्रैल को दोबारा से इसे शुरू कर दिया गया। पंजाब एवं केंद्र सरकार की साझा परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य मई 2022 निर्धारित किया गया है। इस बांध के सपने को साकार करने में सरकारी तंत्र ने पूरी ताकत झोंक दी है। रावी दरिया पर बनने वाले इस बैराज का विवादों से नाता रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने बांध को बनाने में रुचि तो दिखाई, लेकिन इसमें कोई न कोई अड़ंगा लगता ही रहा। कभी होने वाले खर्च तो कभी जमीन को लेकर और कभी जल व बिजली के बंटवारे सहित अन्य बिंदुओं पर। यही कारण है कि ढाई दशक पहले शुरू हुई इस परियोजना का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। शाहपुर कंडी परियोजना पर 2785 करोड़ की राशि व्यय होने का आंकलन है। बांध से 35,000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। शाहपुर कंडी में रणजीत सागर बांध परियोजना पहले से ही कार्यान्वित है, लेकिन इस परियोजना से पानी छोड़ने पर करीब 6,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान चला जाता है। बांध से इस समय 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने पर नहर 18,000 क्यूसेक पानी ही संभाल पाती है। इसका सीधा लाभ पड़ोसी मुल्क को मिलता है। इस पानी का समुचित प्रयोग करने के लिए शाहपुर कंडी बैराज का निर्माण किया जा रहा है। बांध के बनने से पंजाब के साथ ही जम्मू कश्मीर को भी लाभ मिलेगा। बांध से 206 मेगावाट बिजली तैयार होगी, जबकि पंजाब की 5,000 हेक्टेयर और जम्मू एंड कश्मीर की 32,172 हेक्टेयर भूमि को पानी मिल सकेगा। इसके साथ ही पर्यटन विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। रणजीत सागर बांध परियोजना के मुख्य अभियंता एस के सलूजा का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते बांध निर्माण कार्य कुछ समय के लिए बंद रहा, लेकिन अब सरकार के निर्देश पर इसे चालू कर दिया गया है। तय समय अवधि में बैराज का निर्माण कार्य पूरे करने को हम सभी प्रतिबद्ध हैं। इस परियोजना के बारे में प्रस्ताव 41 वर्ष पूर्व 1979 में किया गया था। पंजाब सरकार ने जिला कठुआ के साथ लगती थीन सीमा पर रावी दरिया में रणजीत सागर झील को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को 1,150 क्यूसेक पानी व परियोजना में उत्पन्न होने वाली बिजली का 20% देने पर समझौता किया गया। जिस भूमि पर रणजीत सागर बांध का निर्माण होना था, वहां की 65% भूमि जम्मू कश्मीर की थी। पंजाब ने इसके बदले में जम्मू कश्मीर को शाहपुर कंडी बैराज के निर्माण के बाद 1,150 क्यूसेक पानी देने के लिए लिखित समझौता किया।